सो गाइस आज जा रहे हैं अपनी गाड़ी की बहुत बड़ी सर्विस, यहाँ जी 50,000 किलोमीटर वाली सर्विस के लिए। अब इस बार बदलाव क्या है, इस बार बदलाव ये है कि भैया हर बार जिस सर्विस सेंटर पे मैं जाता रहा हूँ, इस बार उस सर्विस सेंटर पे नहीं जा रहा हूँ। क्योंकि भाई क्या होता है ना, जब आप वहाँ पे रेगुलर जाते रहते हो ना, तो वो लोग सोचते हैं कि भैया ये तो अपना ही कस्टमर है, कहीं जाएगा नहीं। अब जो जैसा डिस्काउंट देना है दो, कोई टेंशन नहीं है। अभी नए सर्विस सेंटर की खोज करी थी हमने थोड़े दिन पहले वीरेंद्र भाई के साथ मिलके, वीरेंद्र भाई ने मुझे बताया था कि वो बढ़िया डिस्काउंट देते हैं। तो मैंने उनको बोला कि भाई वो वाले जो सर्विस सेंटर वाले, ये वाले डिस्काउंट दे रहे आप दोगे? कहते नहीं। हमने कहा ठीक है बाढ़ में जाओ, रिश्तेदार थोड़े ना भाई, मारुति के ऑथराइज से करानी है। अब देखो अपनी गाड़ी चल चुकी है इस टाइम पे 49,852 किलोमीटर। अब हो सकता है भाई ऊंचे बोलनी बोलने चाहिए, क्या पता वो सर्विस सेंटर की क्वालिटी अच्छी ना हो, काम करने में टाइम ज्यादा ले, क्या पता कुछ गड़बड़ हो। तो जब तक हम भाप नहीं लेंगे, टाइम वगैरह हर चीज एनालिसिस नहीं कर लेंगे, जब तक कोई कमेंट नहीं करेंगे। इसलिए भाई ट्राई करने में क्या जाता है, जाना चाहिए हर जगह, एक्सप्लोर करनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि भाई दिल्ली और फरीदाबाद के सर्विस सेंटर्स में क्या डिफरेंस है, क्या कोई और सर्विस सेंटर आपको डिस्काउंट दे सकता है, या फिर जहाँ से आपने गाड़ी ली है वही वाला ज्यादा अच्छा है। वैसे वारंटी वाइज तो ऐसा कोई इशू आना नहीं चाहिए, क्योंकि मारुति के ही सर्विस सेंटर है दोनों। बाकी हाँ, ये लोग अपनी स्कीमें लगाते हैं, लेकिन इनकी स्कीमों का मुझे क्या फायदा हुआ भाई, मेरा तो हरमन का सिस्टम खराब था, वो अभी भी खराब ही है। ऐसा तो है नहीं कि मैं इनके यहाँ से सर्विस कराता रहूँ तो मेरे को कोई फायदा मिला अभी तक। तो लो जी आ गए नेक्सा के सर्विस सेंटर, ये पड़ता है आपका तिकोना पार्क फरीदाबाद के एकदम पास। यहाँ पे लगाएंगे अपनी गाड़ी सर्विसिंग के लिए। भाइयों मुझे तो ये सर्विस सेंटर अभी तक ढीला ही लग रहा है, 9 बजे का टाइम है, 9:20 हो गया, अभी तक कोई स्टाफ नहीं आया, एक आधा सर्विस एडवाइजर आया हुआ है बस, रिसेप्शन पे कोई नहीं है, पूरा अंदर खाली पड़ा है और गाड़ियाँ लगनी स्टार्ट हो गई हैं। संडे का दिन है सोचो, और इतना लेट कर रहे हैं, मतलब इतना लेट स्टार्ट कर रहे हैं, आई डोंट नो कितना इनके पास काम आता है, क्या करते हैं। बाकी फर्स्ट इंप्रेशन को लास्ट इंप्रेशन नहीं मानेंगे अभी, वो वाली कहानी नहीं जोड़नी है अभी, पहले देखते हैं पूरी सर्विस हो जाए जब बात करेंगे। भाई 9:30 हो गए हैं, अभी तक कोई नहीं आया। बाकी यहाँ की लाउंज का एक फ़ायदा है कि यहाँ के अंदर से ना आप अपनी गाड़ी देख सकते हो, ज़्यादा बड़ी बे नहीं है, छोटी बे है, लेकिन कुल मिला के अपनी गाड़ी तीसरे नंबर पे तो 1, 2, 3 कम से कम लग जानी चाहिए पहले ही सीक्वेंस में। सो भैया मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अगर ब्रेजा गाड़ी है जो कि एरेना से आती है, मतलब एरेना में सर्विस के लिए बोलते हैं, अगर हम नेक्सा से कराते हैं वारंटी तो आउट नहीं होती है इसकी? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं सर, आप मारुति करा सकते हैं नेक्सा में या फिर एरेना में, कहीं भी करा सकते हैं, ऑथराइज्ड होना चाहिए मारुति का। ठीक है जी, थैंक यू। तो भाई 9:51 पे अपनी सारी एंट्री वेंट्री फॉर्मेलिटीज हो चुकी है और गाड़ी जा चुकी है अंदर सर्विस के लिए। अब यहाँ पे एक कहानी थोड़ी सी अलग पता चली है कि इनका जो वॉशिंग बे है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वॉशिंग कहीं और से करवा के दे रहे हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, अभी के लिए आई है, पहले जब हम आए थे तो अच्छा खासा चल रहा था, तो अब देखा जाएगा कि वॉशिंग आज कराएं या फिर हम दोबारा कभी आ जाएं खाली वॉशिंग कराने के लिए। ये वाला जो बे है ये पूरा इनका खराब पड़ा है, वरना यहाँ पे बहुत बढ़िया वाली सफाई करते हैं। ये लग रही थी अपनी गाड़ी यहाँ पे सर्विसिंग के लिए, इसमें इंजन लगा दो वाला जो पहले ग्रैंड विटारा में आता था ना 2500 cc, इंजन हल्का पड़ जाता है इसे जहाँ मैं ले जाता हूँ वहाँ के लिए। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितने का ये? इसे रहन दो यार, इसे सुराख करवा के टाई से टकवा दूंगा। और ये जो है ना होज, हाँ इसका हल्का सा ऊपर खराब हुआ है। किस चीज का होज है? कूलेंट का है। घुमाना एक बार इसे, देखो जरा नीचे करना। हाँ यार ये तो फटने को हो रहा है, फट गया यहाँ की ओर से ना, ये बदलवा दो, ये बदलवा दो, इसमें रिस्क नहीं लेना। और क्या है चेक कर लो, ये तो बदलवाना जरूरी है वरना यार रास्ते में खड़ी हो जाएगी, वरना कूलेंट लीक होगा। अलग हल्की सी प्ले है, हल्की हल्की आ रही है, हाँ हल्की सी आ रही है, दोनों में एक में है, हाँ ये रे बुश, अच्छा ये बुश चलते हैं रबड़ के होते हैं, ये दो रबड़ के बुश होते हैं। कौन से बुश है? जेआर बुश, ये जो रबड़ है, ये जो रबड़ है, ये रबड़ को कह रहे हो? ये ब्रैकेट है इसका, हाँ रबड़ का बुश होता है। अच्छा तो खाली बुश डलेगा, रॉड भी डलेगी? बुश डलेगा, ये खाली बुश है। ये लगभग कितने के होंगे पता है? ये वाले बुश जो है, अच्छा ये पूरा कह रहे हो क्या? इसके अंदर है, हाँ जी इसके अंदर है, जो रबड़ का बुश है। पूरा लोहा तो नहीं चेंज होता, खाली वही चेंज होता है ना। ये भाई हमारा गिफ्ट निकला है, ये अभी हम गए थे पहाड़ों पे से बर्फ में चला के लाके आए हैं। कहाँ मिला ये? यहाँ पे। ये अब आया है तो हमारे साथ घर ही जाएगा, यहाँ तक आया हमारे साथ चल के तो पहाड़ों से। बाकी यार ये लाइन कैसे आ गई समझ नहीं आया, अभी तो ब्रेक पैड डलवाए मैंने, थोड़ा बहुत पहले आ रहे होंगे,
हाँ पहले पुराने वाले, लेकिन पुराने वाले में माल था अभी थोड़ा सा। हाँ माल था ना थोड़ा बहुत, पहले आ रहे थे और उस पहले से ही और ज्यादा, अब और ज्यादा बढ़ गया। अच्छा भाई अभी सिस्टम में लाइव चेक करा है, जंपिंग रॉड के जो बुश हैं वो तो अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पे जो भाई हॉर्स पाइप है ना ये अभी अवेलेबल नहीं है, ओखला में दो जगह पे है, वरना लाइव देख रहे हैं पूरे फरीदाबाद में आसपास कहीं पे भी नहीं है। ये तो यार मारुति के साथ भी बड़ी अलग कहानी हो गई महिंद्रा वाली, सामान ना होने की। और अच्छा मैंने चेक करवाया कि जहाँ से मैं हमेशा सर्विस कराता हूँ वहाँ पे तो अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे भी नहीं है भैया। ये देखो आप कैसा हो रहा है वो, यहाँ से देखो ऊपर की ओर से, यहाँ से पूरा का पूरा फूल रहा है। ये तो भाई सही टाइम पे देख लिया, वरना ऐसी की तैसी कर देता है हमारे रास्ते में कहीं पे, मोए मोए हो जाता। ये है भाई अपना स्पीति वैली से साथ गाड़ी के अंदर पट ऐसे रखा हुआ था, भाई ने निकाला कहते ये कहाँ से लाए हो, मैंने कहा लाए हैं अब ये साथ ही जाएगा अगर इसको फेंकना नहीं है। ये भाई यहाँ पे अलग अलग गौज है इंजन ऑयल की, अलग अलग क्वालिटी का है, ग्रीन वाला डाला है इन्होंने, अब पता नहीं क्या कैसा डाल रहे हैं। ठीक है भाई पता तो उन वालों का भी नहीं है, वो नाप के डालते हैं, उनके पास तो वाली गौज होती है जिसमें भरते हैं, ये तो चलो पाइप है पाइप से फिटिंग आ रही है, पता नहीं कहीं इनकी स्टोरेज होगी ऊपर, वो तो उससे डालते हैं जिससे पहले के जमाने में मिट्टी का तेल नहीं देते थे तोल के टीन से उससे। भाई लगता है वॉशिंग बे इनका स्टार्ट हो चुका है क्योंकि यहाँ पे गाड़ी तो धुल रही है कुल मिला के, लेकिन भाई खर्चा होएगा अभी देखा जाएगा अब कैसे क्या ठीक होगा, टेंशन ज्यादा हो जाती है। जो पाइप निकला है ना कूलेंट वाला उसकी टेंशन ज्यादा है मुझे, और किसी चीज की इतनी नहीं है, बाकी तो आवाज ही करेगी, करवाएंगे वो भी ठीक, लेकिन कूलेंट वाला एकदम हार्ट एकदम इमरजेंसी है, मतलब वो तो मैं उसे टॉप प्रायोरिटी पे रखता हूँ। अब देखते हैं नेक्स्ट वीक में उसे ठीक कराएंगे क्योंकि वो कराना बहुत जरूरी है, वरना यही मिस्टेक होती है कि अभी पाइप में ना जैसे वो बोल रहे हैं भाई चेंज कराई लो, मैं भी उसमें कोई डाउट नहीं, अगर नहीं भी बोलते ना तो भी मैं कराता भले ही हल्का सा कटा हुआ है, लेकिन लोग क्या करते हैं अभी चल जाएगा उस चक्कर में ना फिर बाद में रोड पे खड़ा होना पड़ जाता है, और काफी लोग होते हैं उनको बताया नहीं जाता है। भाई गाड़ी तो अपनी वॉश होके तैयार हो गई है, वॉश ये बाहर से करा के लाए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि नीचे की ओर पानी अभी नहीं लगा है, तो मैंने इनको बोला है कि मैं अगली बार आऊंगा तो पानी लगवा के जाऊंगा नीचे की ओर से अगले हफ्ते के टाइप। बाकी कुल मिला के यहाँ पे एक दाग था इन्होंने साफ कर दिया है, ओहो कर्टेंस यहाँ पे पड़े हुए हैं और सामान अपना सेट है, तो अब इसकी बिलिंग करा लेते हैं देखते हैं कितने का खर्चा आया। ये जी अपने को मिल गया है माइक्रोफाइबर क्लोथ, ये साथ में दिया है इन्होंने, उसके अलावा आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें दी हैं साथ में, बहुत कुछ साथ में दिया है, घर और एक मकान और एक और गाड़ी एक्स्ट्रा ऑल्टो फ्री। तो भाई अपनी गाड़ी की सर्विस जो हुई है ये हुई है ऑलमोस्ट 4000 रुपये लग चुके हैं, लेकिन कुल मिला के इसके अंदर भैया अपने को अच्छी चीज़ें मिल गई हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल गया है, जैसे कि व्हील अलाइनमेंट फ्री, इंजन ऑयल फ्री, थोड़ा सा सर्विस चार्ज ज़्यादा लगा है कंपेयरिंग टू एरेना के नेक्सा में, लेकिन कुल मिला के उतनी फैसिलिटी भी मिली है, जैसे कि भैया यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें दी जाती है जब आप लाउंज में बैठते हो, लाउंज बहुत अच्छी थी, प्लस उसके अलावा अपने को जैसे माइक्रोफाइबर क्लोथ दे दिया है। दो चीज़ें और बोलते हैं जो कि ये फ्री बोलते हैं, एक बोलते हैं इंजन चेक और एसी चेक, हालांकि वो तो खैर कहने की बातें हैं, लेकिन कुल मिला के इनका जो मेजर मेरे को फायदा मिला है वो मिला, एक तो व्हील अलाइनमेंट फ्री, दूसरा कि भाई इंजन ऑयल फ्री, तो मतलब कुल मिला के दो मेजर चीजें फ्री मिली है ना, जिसकी वजह से अपने अच्छे खासे पैसे बच गए हैं, मैं तो खुश हूँ सर्विस करा के भाई। और आपका 3 बजे मिल गई है, मतलब 2:30 बजे मिल जाती थोड़ा सा डंडा करता, लेकिन मैं भी रिलैक्स होकर बैठा था तो 2:30 बजे तक काम हो गया है, और काम भी तसल्ली पूर्वक किया है, जैसा कि मैंने देखा पूरा हिला हिलू के हर चीज चेक करी है, जब इन्होंने बताया कि भैया ये वाली जो आपकी रॉड है ये थोड़ी सी शेक कर रही है, या फिर आपका हॉर्स का जो पाइप है वो खराब है उसे चेंज करा लेना, तो सही चेकअप किया इन्होंने। बाकी अब जैसे चलाते रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा आगे पता चलता रहेगा, तो आपको आगे की चीज़ें जाननी है तो चैनल पे बने रहना ताकि आपको पता रखता रहे कि भैया कैसे हम कहाँ से क्या काम कराते हैं और हमारे साथ क्या अच्छा होता है और क्या और अच्छा होता है। अब भाई दो आइटम थी जो कि है ना सर्विस सेंटर वालों के पास अवेलेबल नहीं थी, तो ये मारुति की सुजुकी जेन्युइन पार्ट्स की ऑथराइज शॉप है, सर्विस सेंटर वालों ने भी वेरीफाई किया है कि हाँ जी ये ऑथराइज शॉप है, यहाँ से आप सामान खरीद सकते हो, तो यहाँ पे अपना ऑर्डर लगवा के देखते हैं कि कितने में होगा, कब लगेगा, कब तक आएगा, फिर हो सकता है कि उस काम को कराया जाए अपना, क्योंकि काम कराना तो भैया जरूरी है, हम लोग जाते ही ऐसी जगहों पे है। और देखो इन्होंने माइक्रोफाइबर क्लोथ के पैसे लगाए थे, तो मैंने कहा मेरा क्लोथ मेरे को दे देना भाई, तो इन्होंने मेरे को नया क्लोथ दे दिया, मैंने कहा बहुत बढ़िया चलो अब तो पैसे ले लो कोई बात नहीं। फिर भाइयों ये सामान तो ले लिया है, ये दो रबड़ के जो बुश होते हैं मिले अपने को केवल 138 रुपए के, और इसको लगाने की लेबर पता है कितनी है सोचो एक बार, टोटल भाई 2200 रुपए मांग रहे हैं ये दो रबड़ के 138 रुपए के आइटम लगाने के, 2200 रुपए लेबर है। लेकिन भाई अभी एक चीज नहीं मिल पाई है जो कि आपका है कूलेंट वाला हॉर्स पाइप, मतलब जो इंजन से रेडिएटर में कनेक्ट होता है, और वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी काम चला रहे हैं, ऑर्डर लगा दिया यहाँ पे, हो सकता है 3-4 दिन में आ जाएगा, अगर आ गया तो अगले हफ्ते
हाई प्रायोरिटीज पे सबसे पहले वो काम मुझे कराना है। और अंदर लेबर मांग रहे थे 2200 रुपए आपका ये जो बुश लगाने की और 800 रुपए आपका कूलेंट का पाइप लगाने की, यानी 3000 रुपए लेबर हो गई। अब मुझे डिसाइड करना है कि भाई ये बाहर से कराऊं या अंदर से कराऊं, क्योंकि 3000 तो लेबर बहुत ज्यादा है भाई। और यार एक चीज मुझे समझ नहीं आती यार, इस चीज को इन लोगों ने कंसीडर करना चाहिए। हर एक कार कंपनी ऐसा ही करती है, चाहे मारुति हो, महिंद्रा हो, टाटा हो, कोई भी है, कि भाई 2300-2400 रुपए जो सर्विस के लेते हैं ना, खाली ऑयल वॉयल डालने के लिए लेते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई इसमें अगर जो छोटा मोटा पार्ट वार्ट चेंज करना है, रिप्लेस करना है, वो होना चाहिए। अगर मेजर है तो भाई चार्ज करो कि इंजन का कुछ बड़ा काम है, कुछ और खुलना है। ये इतनी सी चीजों के लिए ना, कि जैसे पाइप लगाना है, सब तो यार उसी के अंदर कंसीडर करना चाहिए कम से कम। वरना वहीं अगर आप किसी छोटू मैकेनिक से कराओगे ना, तो भाई ऑयल फिल्टर ये सब लगाने लगूने के ना मैक्सिमम 500 रुपए लेते हैं, और वहीं पे लोग लेते हैं 2200 रुपए। स्पीति से रिटर्न आते टाइम वो वाला टायर जो है ना फ्लैट हो गया था अपना, अपन लोगों ने हवा भरवा के काम तो चला लिया था, लेकिन उसके अंदर घुसी हुई है भैया कील, तो उसका पंचर लगवाना बहुत ही जरूरी था। मिल गई ये है ना, ये वाह बहुत मोटी कील है, लेकिन सेट बैठ गई, जब बच गए हम। पेच है दरवाजे में लगाने की चीज, रोड पे कौन लगाता है भाइयों। एक बहुत ही गहरी बात कहूंगा कि नहाने की अहमियत तो हमें स्पीति जाके पता चली, वरना दिल्ली में रहते रहते तो 3 दिन नहा ना पाते थे। गाइस ये पत्थर हमारे साथ स्पीति से आया, तो अभी हमारे साथ परमानेंट रहेगा।